ढूंढ कर ही मैं पाया मेल पे सतगुरु बुलाया। लहरा पौड़ा सी बैठ गया फुरते उठे ही नहीं छड़े आई दी जा जुड़ गया फुलना छड़े आई दी घर छड़ता परिवार छड़ता फुल नहीं छड़िया। फिर नहीं छड़े फुल जेड़े पहले ना रहते सी उन्होंने अवस्था नहीं सी उन्होंने क्यों भुख नहीं सी उन्होंने फुल की पछाण नहीं सी या जो भौर वाली अवस्था पैदा नहीं सी हुई पहले भी सी नाल उन्होंने अवस्था नहीं पैदा हुई वह भुख नहीं जागी सी फुल मंगला तो उधर भौरा हो गल बन रही है दो मिल कार जो उपजा नदी नाम संजोग किश्ती हो गए नदी पानी ना हो किश्ती चलूगी जो नदी पानी हो गए किश्ती ना हो चलती भौरा हो गए फुल किसी रस ना मिले तो की करूंगा पैसा ही रह जाऊंगा पौड़ा बबरिया ही है उधर बबरिया गया इतने पौड़ा कहता कि फुल क्या है ना इतने जब बबरिया कहे तो मेघा कहे फुल नहीं कहते फिर मेघा हो जो फुल कहे फिर पौड़ा कहे जगैसू पौड़ा वह लैन वाला पौड़ा है देने वाला फुल है हिरदे कमल प्रकाशिया है कमल हृदय जो प्रकाशिया हुआ है वही तो फुल है। हाँ जी अगर एक पुरुष विधा बारह ले और बारह ले और तरिया उन्हें संगत करके बाद मतलब नाल बारह तो बारह मनाता है बारह दस बारह मनाता ट्वेल्व विद्वाना ने विद्वाना की बुद्धि नहीं होती कितने पढ़ते मरता कम ही डबी जाते हैं सारे यदा अर्थ की बनया फिर वो जे वे जुड़ूगा पौरा ताली रस लूगा बारह टोटे फुटते गए पौरे के गए उन्होंने बारह कितों आवड़िया इतने बाह उर्दू का लगता है बाह बुशक्कत बाह बुलाहेगा बाह बाद मतलब नाल संद करके बिद बार है उदे नाल रह के उदी संदत करके मैं और धरिया वह फुल का रस अपने अंदर धर लिया खिंच लिया उथो भौरे ने रस चूस लिया जे फुल में बैठू ता ही चूसू फुल की संदत करू ता ही चूसू लैला जे घर चलिया जाता फिर फुल का रस नहीं लै सकता दूर बैठ के नहीं लाया होंगे रस फुल का भी देख के चला जा मैं घर बैठ के ले लू रस माड़ा ले जाए मैं कर देना माड़ा ले जा घर बैठ के रस ले ली रस काजो लेना माड़ा चो लेना काजो लेना संगत की जो ज्ञान कोल सी सारे ही ले लिया सारे ही देता इंजेक्ट करता इंजेक्शन लाता उधर डॉक्टर को जावे तो इंजेक्शन लाऊगा बार है ले उर धरिया उर उदा हृदय बिच धारण कर लिया उर बिच धारण किया पेट बिच नहीं किया जेडे वाहगुरु सारा कहते ना पेट च जाता हृदय च नहीं जाता पेट पवन एक बहुत रस विधा बार है ले बार है ले उर धरिया ओरी संगत करके ना बार है यदा मतलब है ना रह के अपने हृदय चो सारा रस सी जरा ज्ञान सी वह प्राप्त कर लिया समझ लिया है जी बदे पवन च सुता पिया सी ना जरा सुता पिया सी ना सुपने चो संसार सी ना सुपना देख रहा सी ना लेना सुपना कहता देख रहा थी मूर्ति चो दर्शन हो गए सुता ही पिया सी मूर्ति दर्शन किए जाएंगे नाले कहने जी ने दर्शन करने तेरे अंदर है
ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਮੂਰਤੀ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਸਵਾਮੀ ਰਮਾਨੰਦ ਥਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਜਦ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਤਾਓ ਮਨ ਹੈ ਮਾਂ ਹੈ ਥਾਲੀ ਰੱਖਤੀ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਜੇ ਕਾਬਲ ਤੂੰ ਬਾਂਗ ਦੇ ਦਲੀਪ ਪੀਤੋ ਸੋਏ ਜਿਹਦੇ ਖਾਤਰ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਚੋਰ ਦੇ ਪਤੰਦਰ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਨੀ ਹੜਦੇ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਆ ਦੁਬਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਦਾ ਦੋਵੇਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਡੋਲਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੁਬਦਾ ਵਿਆਪਾਰ ਰੋਗ ਦੁਬਦਾ ਨਾਲ ਲੋਭ ਬੋ ਕਾਮ ਕਰੋ ਇਹ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਦੁਬਦਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪੇ ਘਟਤਾ ਖੜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਵਧੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਰਹੇ ਮੱਦੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸਨ ਜਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕੰਨ ਚ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੇ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪਿਆ ਭਾਵ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪਵਨ ਜੋ ਬੁਗੁੰਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਈ ਸੀ ਪਵਣ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਪਵਨ ਐ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਗੂ ਵਹਿਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆ ਸੁੱਤਾ ਉਹ ਸਾਧਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਹਿਗੂ ਵਹਿਗੂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਕਿਉਂ ਨੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵਹਿਗੂ ਕਰਕੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ ਸੁੱਤਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਪੇਟ ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੇਟ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਵਹਿਗੂ ਖਾ ਕੇ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੇਟ ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹਜਮ ਕਰ ਲਾਊਗਾ ਖਾ ਕੇ ਸੋ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਪਵਨ ਚ ਕੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਈ ਨਾ ਕੰਨ ਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਹਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਜਗਾਤਾ ਪਵਨ ਚ ਕੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਣੀ ਜਦ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹਲਾਤਾ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਤਾ ਇਹ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਕਹੇ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਯਾ ਖਾੜ ਚਲੋ ਹਲਾ ਅੱਗੇ ਵਸਣ ਸੇਲਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਹਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੁਛ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਯਹਾਂ ਖਾੜ ਚਲੋ ਹਲਾ ਅੱਗੇ ਵਸਣਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਜਾ ਹਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂ ਪਈ ਕਿਹਦੇ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਸੁਹੇਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਾਇਆ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੀ ਮੈਂ ਜਦੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰ ਸਜ ਗਿਆ ਪਰ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਚਾਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹਟਿਆ ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਗੱਡੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੇ ਰਹੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਪਈ ਸੀ ਗੱਲ ਚ ਹਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲਤਾ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਬਦਲ ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਦੂਆ ਕੁਛ ਹੈ ਸੌਦਾ ਅਰਦਾਸ ਦੂਈ ਹੈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਨ ਗਾਹਕ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦਾ ਨਾ ਸੋ ਗੁਣ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਸੋ ਰਿਹਾ ਮੱਦੇ ਪਵਨ ਚ ਕੋ ਰਿਹਾ ਹਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ੇ ਪਰ ਪੜਿਆ ਆਕਾਸ਼ੇ ਪਰ ਪੜਿਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਚ ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਫੜਫੜਾਉਂਦਾ ਐ ਫੜਫੜਾਇਆ ਪੰਛੀ ਮੈਂ ਫੜਫੜਾਇਆ ਮਨ ਆਹ ਕੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਗਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਜਦ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਸਮਝ ਬਾਲਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਫੜਫੜਾਇਆ ਮਨ ਜਾਗ ਪਿਆ ਫੜਫੜਾ ਮੈਂ ਜਾਗ ਪਿਆ ਆਕਾਸ਼ੇ ਪੰਛੀ ਟਾਣੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਟਾਣੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੰਛੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਸੁਣ ਜਾਂਦਾ ਪਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਂ
कोई झोला लगता ना कि हवा आ जाए तेज जागते ने सो रहे बंदे पवन पवन का हलारा बजे उन्होंने जब फड़फड़ा क्योंकि डिगड़ा होंगे ना उतों पता ठीक है मैं फड़फड़ा के जागते ने पंछी ए जागया अब साल दे रहा हो आवे हवा का तेज चौका तो टाणिया जान हिल दरअसल जब हिल तो पंछी की करूंगा फड़फड़ा के उठू कि नहीं उठू ए जाग गया बोल तरबर एक नाल लाल साखा आया नहीं है पेड़ ते बैठा ना अनंत लाल साखा उत्ते आता गया पंछी बैठ बैठ पंछी तरबर ते बैठा सी तरबर जब हिलिया पुचाड़ा हो गया पुचाड़ा जब हिलिया फड़फड़ा के उठा बोले की गल आकाश है फड़ फड़िया सहज सुन एक बिरबा उपजिया बस फिर की सी सहज सुन बनता सुन पहला ही सी ना बोलता चुप सी बोलता पहला चुप सी और सहज अवस्था च हो गया दुआ सहज हो गया अंदरला बिल्कुल जा गया असल च अंदरला भी सुपना ही देखता सी संसारी नींद तो सत्ता पै गई संसारी नींद नहीं आती अंदरले में सिर्फ जी संसारी नींद है ना वह नहीं आती जानते हैं सच का की है उन्होंने असल च असलियत का पता लग गया की पता लग गया जिन्हों मैं टोलदा तो मैं आ पता लग गया सोई मुड़ के तू पिया जाको कहता उन्हें अपने अंदर प्रगट जद होया ना अब पवन गुरु अंदर प्रगट होया ना पवन गुरु अंदरों ही प्रगट होया आकाश के अंदरों ही प्रगट होया शब्द अंदरों तुरकी बनी जब प्रगट हो हाँ मेरे अंदरों प्रगट हो गया तो मैं तो सोचता जी बहरों आऊंगी काशी तो ना भजा तुम खरीदा जी पैदा होनी सी वह बीज बिरछ न देखता सी बीज बिरछ कह जा हों जी तो मैं टुट गया जब अपने चो बिरछ पैदा हो गया फिर हैरान होया भी तो तेरे बिचों सी वह बिरछ तो तू बचले ही बैठा सी बरोटे का बीज बरोटे न देख रहा धरती से पिया भी यह किड्डा जब आप बरोटा बन गया हैरान हो गया भी तू बरोटा सीगा पता चल लगा जब बिचों पैदा होया बरोटा प्रगट होया जब पता लग गया फिर फड़फड़ाया आकाश से फड़फड़िया सहज सुन एक गिरबा उपजा उपजा अंदरों पेड़ बिरछ पैदा हो गया बिचों बीज दू सहज सुन के घाट है ना इसनू कह रहा कबीर उधर मन सह चित सहज आप सुन बिचालों पैदा होया सहज की है सुध की है मन में माया की भुख है नी वह सुन उन्हें अपना काम कर लिया वह काम क्या है उन्होंने कथे घर बैसो हरजन प्यारे वह तो बैठा उन्हें कोई इच्छा नहीं बोलती पर दूए की इच्छा हैगी है उन्होंने नाम की भुख है बंदले इन माया की भुख होंगी उन्हें छड़ती माया की भुख छड़ती ना उन्होंने नाम की भुख है वह नाम की भुख वाला सहज है माया की भुख वाला सुन माया की है कोई माया की भुख तो सुन त्यागी हुई आस नाम की आस है बिलूगा यह है सहज सुन नाम की तो भुख है और नाम की भुख वाला बिरबल पैदा होया शब्द गुरु ने प्रगट होया नाम प्रगट होया अंदरों नाम ही नाम बन गया नाम नामा सी ना जो नाम का बीज वो आप ही नाम रूप हो गया सहज सुन एक बिरबा उपजा धरती जल हर सौख्या धरती जल हर सौख्या हिरदे के बिच जो ज्ञान सी ना पहला पाया होया वो ज्ञान सौख्या सारा ही सारा ज्ञान वे बिच रह गया बिरछ रूप बन गया वह बिरछ रूप बन के ज्ञान आया होया गुरबाणी च संसार का ज्ञान बिच पाया हुआ
संसार कह लिया सी जैसे जल में कमल निराल में कितने ज्ञान सी ए पाया जी बिरछ च ज्ञान बिरछ बिचे ही है सारा जो ज्ञान लिया सी बन कौन सी खब्बे पासे पिया सी जिन्हें छड़ाया सी भुख संसार की भुख छड़ाई सी ज्ञान पिया सी ना वह सारा ही बिरछ में चलिया गया बिरछ रूप हो गया पानी चाहिए ना बिरछ में सारा ही बिरछ के बिच रह गया दो प्रकार का ज्ञान हो गया हूं यह जरा सीधा संसार का ज्ञान गुरबाण चलिया है बिरछ में चलिया गया गुण बिच थाई ये रस भोप के बिच थाई निराकार का जरा दूआ ज्ञान है उधरों आई जाता उत्ते तार जुड़ गई सीधी मखण उथों मिलन लग गया दुद्ध बुलाउन लग गया संसारी ज्ञान बिच पाउन लग गया संसारी ज्ञान पाके जिहड़ा निराकारी ज्ञान सी प्रगट हो रहा उज बना के गुरबाणी रचन लग गया सहज सुन एक बिरबा उपजा धरती जल हर सोखा कई कबीर मैं ताका सेवक जिन्हें बिरबा देखा कबीर कहना मैं उहदा सेवक हूं मैं उहदा चेला बन जूंगा जिन्हें बिरबा समझ लिया बिरबा है की जिन्हें बिरबे का दर्शन कर लिया पेड़ किथे पैदा है जो मैं गल कही है जिन्हें भी समझ लिया कौन ताका सेवक मैं उहदा दास हूं ना सेवक गुरु नानक ने उत्ते कहा इस पास जो अर्थ आ गए सो गुरु गुर गुरबाणी च दस रहे टेस्ट जे आए पास तुम अर्थ आ ले समझो गुरबाणी समझ आ गई बथेरी शब्द पे एक भी शब्द क्यों नहीं टच किया महापुरखा ने इम्तहान दंदे जरा होना हूं देवे अजो बथेरे शब्द पे ने सैकड़े शब्द पे ने एक भी अर्थ आके दिखावे कोई एक दास अर्थाऊगा महापुरख नहीं अर्थ आ सकते महापुरख नहीं मत मार जब मत मारी जाती है महापुरख जग बनता जिंदी मत जागनी है उदास बनता है जिंदी मत मारी जाती है महापुरख बनता कुछ शरीक है खजमा करे बराबरी सो गलत अंदर फिर तो मत मारी जाती है महापुरख का आप है परमेश्वर तू जो महापुरख कर बराबरी करेगा मत तो पहले ही मारी गई जब इच्छा पैदा हुई महापुरख बननी जेड़े संत महापुरख ने सारे की मत मारी हुई है जिन्ना चिर महापुरख ने उन्ना चिर मत मारी गई है जिदन बन गए सेवक शायद उदन जागरण लग जाए नाले दास कहना नाले महापुरख ने महापुरख ने क्यों बदनाम करके महापुरख कहता दास हों एक पास दास एक पास महापुरख पता गल होगी एक जुती का पैर पैर चा एक सिर से बन लिया एक पैर सिर से बन लो एक पैर पैर च पाके रखो दास का पैर थले है एक पैर सिर से रख लिया महापुरख बन गया मत मारी हुई है इस करके बड़ी एक अखर बनिया ना क्या देता सखियां सुखियां सुनाई जाते ने लोगों को बेवकूफ बनाई जाते ने मुंदरा मोन दया कर झोली पत्र का करो विचार रे खेंदा ए तन सियो अपना नाम करो आधार रे जोगी नू कह रहा कबीर मुद्रा मुद्रा नहीं है मुद्रा लफ्ज है मुद्रा होंगी है जो मन की अवस्था टिप्पी पड़ी हुई है मुद्रा जोगिया ने उन्होंने की पता भी टिप्पी मुद्रा जी मुद्रा मुद्रा होंगी है आदमी का जिन्ना मन टिका है नहीं टिका है मन टिकाने की मुद्रा बनाता है जोगी उत्ते बैठ के दुए नू लिखे दिखे भी ये तप करता जिमें
एक्टर नहीं बनाते मुद्रा, रोल नहीं मुद्रा बना ली, हसन नहीं बना ली, नकली पोज क्रोध आ गया करे कुछ आ गया वो ड्रामा है, पोज है मुद्रा मुद्रा दर्ज हो रही मुद्रा मोहन ऐसी मुद्रा बना ली भी मन जानी मोहन हो गया चुप हो गया बाहरों का लगता पर अंदर बोली जाता चुपा चुपना ऐसे नु कहा सी जे मुंह चुप कर गया तो मन थोड़ी चुप कर गया तेरा बाहरों मुद्रा बना ली भी मैं संतोखी हूं मैं बोलता नहीं मेरी भुखे नहीं किसी चीज की अंदरों चीज चल रही है वो कहने जे मुद्रा बनानी है भूत की मुद्रा तो बनूगी किवें मुद्रा तो भुगनी नाल होर कुछ चाहिए ता समझी जाऊगी मुद्रा भूत की है कला चुप करना मुद्रा बनाना गल नहीं बनती अंदर जरा चोर है मैं तो मनूगा तेरी मुद्रा नाल ऐ चीजा चाहिए ने मुद्रा मोहन दया कर दया कर झोली दया कर झोली चोरी दे विच देण नू होवे तेरे कुछ लैण नू ना होवे चोरी दा गल लोकां नू मंगण नू पाई है तेरे को चोरी केड़ी चीज दी है जां तेनु इच्छा नहीं किसे चीज दी जे इच्छा ही नहीं किसे चीज दी चोरी कहदे रखी है चोरी का लैण नू रखी इच्छा तो हैगी चोरी कह दी इच्छा तेरे अंदर लैण दी मुद्रा वाई है ना लैण दी इच्छा मुद्रा का कहती है कोई इच्छा ही नहीं मैनू झोली कहते बात टंगी है मुंडे ते चोली आटा गुड़ जरा को दे दो मर्जी दे दो तो फिर अंदर वाली मुद्रा झूठी है फिर बखंड वाली मुद्रा यह फिर झोली च की होगी झोली देन देन हो झोली रख सकता पर देन हो लैंड हो बनता फिर कुछ ना तो बनता ही फिर ज्ञान झोली भरी हुई है जो लेवे सो देवे ना ही जरा लेंदा तो देन है कुछ कुछ भी नहीं देन की होंगे जो लेवे सो देवे ना ही जे तेरी मुद्रा बोलती है संतोख दी है फिर झोली क्यों रखी है जे सत संतोख दी विचार गुरुद्वारे है गोलक क्यों रखी है तो ये तो गुरु ने मुक्ता बनाता गोलक रखती भुखा बनाता गुरु भुखा है गोलक रखो और गुरु भुखा बनाता भुखा तुसी हो गुरु का भुखा गुरु ने खाने के कड़ा पैसा तुसी रख लें ना गुरु का बदनाम कर दे राह बजाद असी बनाने लंगर बनाने गुरु का लंगर कह के छक लें चल परमेश्वर का कह के असि कही मन भी लीए चलो ठीक भी है पर होर किस तरीके नाल वो कर लो जरूर गोल कर खड़ी बूरे कम से कम यह कहा गुरु नु किसी चीज की इच्छा नहीं क्योंकि जो लेवे सो देवे नहीं जेड़ा गुरु कुछ इच्छा रखता लैण दी दे कुछ नहीं सकता यह इल्जाम लग गया गुरबाणी ते जो लेवे सो देवे नहीं तो पंक्ति गुरबाणी दी है उन्हें कहने जो लेवे सो देवे नहीं तुम वो मूहरी गोल रखती फिर दे भी नहीं रहा कुछ अभी लै भी नहीं रहे तो कुछ जे दे रहा तो लै भी नहीं रहा सी लै की रहा फटाफट गोलक नू पै जाने पैसा चढ़ावे भोग प्या चढ़ावे पै जाने भज के जो पै जाते भज के निगा तो पैसा जा तुहाडी जो पढ़ लिया सुन लिया उत्तर निगा कोई नहीं है जोगी नू कही गल सी तुझे उदो भी गाह लंघे सिख तो उदो भी गाह लंघे फिर सिखी भालते सिखी तो बेचकाई तुम सिखी तो ठीक हो रही पैदा ही नहीं होने दी बेचकाई तो होंगी जो हूँ को पैदा ही नहीं होने देने सिखी ये जिन्ना चेर गुरुद्वारे च बोल के सिखी पैदा ही नहीं हो सकती सवाल नहीं पैदा होता सिखी पैदा हो जाए सिखी तो उन्होंने नहीं पैदा हो सकी जेडे गोलक तो दूर रहे
ਉਹ ਪਖੰਡ ਕੀਤਾ ਗੋਲਕ ਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਨਕ ਸਰ ਗਿਆ ਨੇ ਉਹ ਪਖੰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਪਖੰਡ ਸੀ ਬਦਲਾ ਪਾਉਣ ਦਇਆ ਕਰ ਝੋਲੀ ਝੋਲੀ ਰੱਖ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਰੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਰੱਖਦੇ ਕੋਲ ਪੱਤਾ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੱਥ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਹੱਥ ਤੇ ਹੀ ਖਾ ਲਿਆ ਜੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਧੋ ਲਿਆ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੋਕ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲਿਆ ਬਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਮਲ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲੂ ਉੱਥੇ ਪੀ ਲਿਆ ਧੋ ਲਿਆ ਇਹ ਜਿਹੇ ਜੋਗੀ ਸੀ ਖਾਧਾ ਜਦ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਬਈ ਲੈ ਲੈ ਖਾ ਲੈ ਉਹਦਾ ਚਾਹੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਥਾਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈ ਸੋਨੇ ਲੈਣਾ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤੂੰ ਰੱਖ ਆਪਣੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਲਾਸ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੀ ਪੀ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜੀ ਐਸੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਾਂ ਢਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਢਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਜਾਂ ਪੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਤੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਪੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਪੱਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੱਤੇ ਤੇ ਪਾ ਲੈਣਾ ਖਾ ਲੈਣਾ ਪੱਤਾ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਪੱਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਝੋਲੀ ਆ ਗਈ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਕਿੰਥਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਰੋ ਉਧਾਰ ਰਹੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਕਰ ਲੈ ਭਾਈ ਪੱਤਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚੱਲ ਪੱਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਪੱਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਛੱਡੇ ਦੇਣਾ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਤੇ ਖਾ ਲਾ ਜਾਂ ਪੱਤੇ ਤੇ ਖਾ ਲਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੂੰ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈ ਜੇ ਪੱਤਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਰੱਖ ਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲੂ ਨਾ ਰੱਖ ਲਾ ਇਹ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਪੱਤਾ ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੋਰੀ ਵਿਘਨ ਚੋਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਘਨ ਹੈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਰੱਖੇ ਨਾ ਜੇ ਗਿਆ ਨਾ ਰੱਖ ਲੋ ਚੋਰੀ ਰੱਖੇ ਨਾ ਪੱਤਾ ਰੱਖ ਲੈ ਚੋਰੀ ਰੱਖ ਪਰੇ ਬਾਹਰ ਚੋਰੀ ਲੋਭ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੇ ਲੈਣਾ ਚੋਰੀ ਨਾ ਲੋਭ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਗ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋਗੀ ਸੰਤੋਖ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਚੋਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਪੱਤੇ ਤੱਕ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਪੱਤੇ ਤੱਕ ਲੋੜ ਹੈ ਪੱਤੇ ਦੇ ਪਾ ਲਿਆ ਖਾ ਲਿਆ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਨੀ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਲੋੜ ਹੈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨੀ ਮਾਰਨਾ ਲੋੜ ਹੈ ਚੋਰੀ ਲੋਭ ਹੈ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਲੋਭ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਚੋਰੀ ਹੋਊ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਹੋਜੂ ਕਾਟੋਆਂ ਦੇ ਚੂਹਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਪਊ ਭੱਜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੈਰਾਗੀ ਬੰਧਨ ਕਰੇ ਬੰਧਨ ਪੈ ਗਿਆ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਧ ਕਾਹਨੂੰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੇ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਜੰਗਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਚੋਲੀ ਗਾਂ ਬੰਨਣ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਚੋਲੀ ਬੰਨਣ ਪੱਤਾ ਬੰਨਣਾ ਨੀ ਹੈ ਪੱਤਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚੋਲੀ ਛੱਡੇ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂਜੀ ਖਿੰਥਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਆਪਣਾ ਖਿੰਥਾ ਕੀ ਹੈ ਖਿੰਥਾ ਉਹਦੀ ਗੋਦੜੀ ਉਹ ਲੀਰਕ ਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਰਸੋ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਲਏ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖਿੰਥਾ ਬਣਾ ਲਈ ਸਿੱਟਣਾ